हरुण भाई, हमें जानना चाहेंगे कि ये उपभोक्ता अधिकार क्या है और ये सप्ताह चल रहा है जो कि दैनिक जागरण मैंने देखा, क्या ये सब क्या है? भारत सरकार के संविधान के तहत उपभोक्ता अधिकारों को जो है क्या कहते हैं बिल पास हुआ था और उस बिल के अंतर्गत उपभोक्ताओं को, खरीदारों को जो है क्या कहते हैं कुछ अधिकार दिए गए थे। अगर कोई गलत सामान की सप्लाई कर रहा है या गलत सामान दिया है, कहने के बावजूद उसने गलत सामान दिया है, अपने कोटेशन के अनुसार नहीं दिया है, तो उसके ऊपर उसकी अदालतें बनाई गई हैं हर ज़िले में। हर ज़िले में अदालत है और हर ज़िले में ग्राहक जो है क्या कहते हैं उसमें जा करके अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकता है। एक साधारण एप्लीकेशन पर भी शिकायत दर्ज हो जाती है। क्या उपभोक्ता फोरम में कुछ फीस वगैरह भी लगती है? हाँ, फीस वगैरह लगती है, उसके उसके जो है क्या कहते हैं स्लैब निर्धारित किए गए हैं। 5 लाख तक के जो है बिना शुल्क के हैं, 5 लाख के ऊपर से शुल्क लगता है, और मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक का भी है उसका जो है शुल्क, 2000 4000 5000 6000 रुपए तक है उसका, वहाँ पर जाने पर जानकारी मिलेगी इसकी। तो आपका क्या मामला था? हमारा मामला ये था कि हमने सन 2002 में एक ऑफसेट की प्रिंटिंग मशीन लिया था 16 इंच × 21 इंच की। वो पार्टी जो थी लखनऊ में अपनी दुकान फर्म खोल करके प्रकाश ऑफसेट कंपनी हरियाणा की जो है क्या कहते हैं अपने को एजेंट बताते हुए, एजेंसी बताते हुए हमको उन्होंने कोटेशन दिया था, और वह जो है क्या कहते हैं उसमें उन्होंने ये फ्रॉड किया कि कंपनी से मशीन नहीं दिया और कंपनी ने उनकी एजेंसी पहले ही समाप्त कर रखी थी, कंपनी के काफ़ी बड़े बकायेदार थे ये कंपनी से न उठा करके मशीन हमको मार्केट से जो है डुप्लीकेट मशीन इन्होंने सप्लाई किया जो कि आज तक चली ही नहीं, और जिस साइज में हमारा इनसे सौदा था 4,70,000 रुपये में, उसमें उस साइज में भी मशीन इन्होंने दी और मशीन में तमाम तरह की गड़बड़ियाँ रही, 20-25 गड़बड़ियाँ रहीं। इसके बारे में इनको 1 साल तक लगातार टेलीफोन के द्वारा लिखा पढ़ी में तो जा करके इनको इनसे संपर्क किया गया, इनके ऑफिस संपर्क किया गया, उसके बाद इन्होंने अपनी दुकान वहाँ से बंद कर ली। कुछ केसेस इनके ऊपर लखनऊ में भी हुए थे, इस कंपनी की जाम पिंटोग्राफी कंपनी के नाम से था, और ये लोग इतने बड़े फ्रॉड के थे कि इन्होंने एक नाम से कई कई फर्में बना रखी थी। स्वेलटेक्स में रजिस्ट्रेशन मुस्तफ़ा बरदस के नाम से था, आर मुस्तफ़ा बरदस के नाम पर ही काम करते थे ये, और जाम पिंटोग्राफिक के नाम पर भी ये काम करते थे। और जब इनकी गिरफ्तारी एक लखनऊ के मुकदमे में हुई तब हम लोगों को जानकारी मिली कि ये उच्च स्तर के फ्रॉड हैं और फ्रॉडिया टाइप के हैं लोग ये। उसके बाद जब हमने इन लोगों से संपर्क करने की साधना कोशिश किया तो ये लोग बिल्कुल जो है क्या कहते हैं कहीं मिलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। अंत में थक हार करके हमको उपभोक्ता अदालत की शरण लेनी पड़ी। उपभोक्ता अदालत में हम 10 साल तक मतवातिर 8 साल तक दौड़ते रहे और अंत में तमाम नोटिसें तमाम अखबारों में गजट कराने के बावजूद जो है क्या कहते हैं फैसला नहीं हो रहा था। सन 2010 में ये फैसला एकपक्षीय रूप से स्वीकार हुआ हमारा, और इन लोगों के खिलाफ सन 2015 से वारंट जारी होना शुरू हुआ है। 4 साल 5 साल मुतवातिर हम इसकी पैरवी करते रहे मुकदमा जीतने के बावजूद भी। फिर उसके बाद ये लोग सन 2018 में जब इनका एक भाई गिरफ्तार हुआ जिसका नाम रेहान मुस्तफ़ा है, तब वो जो है क्या कहते हैं अदालत में यहाँ जब बाराबंकी की पुलिस गिरफ्तार करके ले आई तो उसमें इन लोगों ने अपनी मिली मार करके जमानत ले लिया था, तमाम ऊपर से प्रेशर डलवा करके, चूंकि यहाँ सुल्तानपुर में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष उस दिन नहीं थे मौजूद, तो स्पेशल अपॉइंटमेंट से एक अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी और उन्होंने इनको जमानत दे दिया था, और वह जमानत कुछ शर्तों के हिसाब से 4-4 लाख रुपए की निजी मुचलके पर इनको छोड़ा गया था। इन्होंने न तो जमानत नामा आज तक दाखिल किया और न ये अदालत में हाजिर आ रहे हैं। फिर सन 27/12/2021 को 27 दिसंबर 2021 को इनके खिलाफ NBW वारंट फिर से पुनः जारी हुआ, जिसमें इनके बड़े भाई जो कि
इन्हीं के शामिलात में, इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की फर्म में घालमेल करके प्रोप्राइटरशिप को न क्लियर करते हुए रहे, तो उनके खिलाफ भी तमाम हमने सबूत इकट्ठा किए, तमाम हमने इनके कागजात दाखिल किए हैं इस मुकदमे में। तब वो गिरफ्तार हुए, एक भाई गिरफ्तार हुआ, बड़े भाई, और वो 2 महीने तक सुल्तानपुर की जेल में बंद रहे। अभी कुछ दिन पहले वो छूटे हैं यहाँ से, उनको राज्य आयोग ने छोड़ दिया है, लेकिन छोटा भाई अभी तक जो है क्या कहते हैं गिरफ्तार से बाहर है, गिरफ्तारी से बाहर है। अभी उसके खिलाफ फिर अभी 20 तारीख को फिर जिला अदालत ने जो है क्या कहते हैं जिला उपभोक्ता आयोग ने फिर जो है वारंट जारी किया है एसपी को, एसपी को उन्होंने रिमाइंडर भेजा हुआ है, स्मृति पत्र भेजा हुआ है कि रेहान मुस्तफ़ा को गिरफ्तार करके 2023 में 15 फरवरी 2023 को इनको प्रस्तुत किया जाए गिरफ्तार करके। अब आगे देखिए अदालत क्या फैसला लेती है। अभी तक जो है हमारा जो है पैसा इनसे 1 रुपये भी नहीं मिल पाया है, किसी प्रकार की छटपूट नहीं मिल पाई है, सारे डिग्री इसे रखे रखे रह गए हैं। और ये लोग जो है क्या कहते हैं हर पेशी पर कोई न कोई अब्लिगेशन लगा देते हैं कि हमने यहाँ मुकदमा दायर कर रखा है, वहाँ मुकदमा दायर कर रखा है, जबकि न तो राज्य उपभोक्ता आयोग में कोई इनका मुकदमा पहले मतलब पेंडिंग है, राज्य उपभोक्ता आयोग में इन्होंने जो अपील दायर किया था रेहान मुस्तफ़ा ने, उनकी अपील खारिज हो चुकी है। 30 अगस्त 2022 को इनकी अपील खारिज हो चुकी है। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर मिसलिनियस एप्लीकेशन दिया है, और मिसलिनियस एप्लीकेशन में ही अभी मामला ये पड़ा हुआ है, लेकिन उससे हमारे मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इनकी जो है क्या कहते हैं इनके खिलाफ NBW वारंट जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया है, और अब कोशिश यही है कि ये जल्द से जल्द एसपी बाराबंकी इनको गिरफ्तार करके 15 फरवरी 2023 में जिला उपभोक्ता न्यायालय में प्रस्तुत करें, पूरा मतलब लगाए बढ़ूंगे यही यही उम्मीद की जा रही है।